Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Imdadullah. So today our topic is fentanyl for third semester in anesthesia. So इससे पहले हमने वो पेटाडीन जो है वो करा था, आज हम फेंटेनिल के बारे में पढ़ेंगे. फेंटेनिल जो है ये हमारे पास क्या है, नार्कोटिक एनल्जेसिक है और डिराइव फ्रॉम पेरिडीन. ठीक है, पेरिडीन से जो है ये डिराइव होता है और ये केमिकली रिलेटेड है किस चीज के साथ, मेप्रिडीन के साथ. ठीक है, और 80 टाइम पोटेंट है मॉर्फिन से. ठीक है, इसके पोटेंसी जो है वो ज्यादा है किस चीज के साथ, मॉर्फिन से ज्यादा है. ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं प्रीऑपरेटिव मेडिकेशन में यूज करते हैं. ठीक है, प्रीऑपरेटिव मेडिकेशन में किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए हम इसको यूज करते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव भी हम इसको यूज करते हैं, आफ्टर सर्जरी जो है हम पेन रिलीफ के लिए इसको यूज करते हैं. ठीक है, और ड्यूरिंग सर्जरी. ठीक है, हम फेंटेनिल को इन तीन जगहों पे यूज कर सकते हैं, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए और ड्यूरिंग सर्जरी हम इसको यूज कर सकते हैं. अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है. ठीक है, तो ये इंटरेक्ट करता है ओपियाइड रिसेप्टर के साथ. ठीक है, इन द सीएनएस. ठीक है, सीएनएस में ओपियाइड रिसेप्टर के साथ जो है इंटरेक्ट करता है, अदर जो है जीआईटी में करता है. ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक में. ठीक है, उसमें ओपियाइड रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद है. ठीक है, क्या कास करता है, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द नर्व सेल. ठीक है, नर्व सेल को क्या करता है, हाइपर पोलराइज करता है. इनहिबिशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर. ठीक है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको इनहिबिट करता है और उसके बजाय जो है हमें पेन जो है वो फील नहीं होता. ठीक हो गया, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. इंटरेक्ट करता है ओपियाइड रिसेप्टर के साथ सीएनएस में और अदर जीआईटी और यूरिनरी ट्रैक में. इनहिबिशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन. ठीक है, और सेल को क्या करता है, हाइपर पोलराइज्ड करता है. ठीक है, और जब ये बाइंड हो जाता है ओपियाइड रिसेप्टर के साथ तो न्यूरो ट्रांसमीटर को इनहिबिट करता है और हमें फिर पेन जो है वो फील नहीं होता. ठीक है, अब आते हैं इंडिकेशन पे कि हम फेंटेनिल को कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो एनाल्जेसिया ड्यूरिंग ऑपरेशन. ठीक है, एनाल्जेसिया के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्या है, पोटेंट है, पोटेंट एनाल्जेसिक है, तो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन. दूसरा जो है, इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, उसको प्रोलॉन्ग करता है, इंक्रीज ऑफ. ठीक है, इफेक्ट जो है एनेस्थीसिया का वो क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है. ठीक है, दूसरा जो है क्या, पेन रिलीफ के लिए. अब हमने क्या कहा है कि प्री ऑपरेटिव भी यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव यूज करते हैं, तो वो किस चीज के लिए, पेन रिलीफ के लिए. ठीक है, ये क्या है, इंडिकेशन है. अदर जो है ये, इसमें हम चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया. अब हम आते हैं कंट्रा इंडिकेशन पे कि इसकी कंट्रा इंडिकेशन जो है वो क्या है. ठीक है, फर्स्ट कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि हम हाइपोवोल्यूमिया में इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है, हाइपोटेंशन में हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में हम इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है, और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में हम यूज नहीं कर सकते, लाइक एस्थमेटिक पेशेंट और सीओपीडी पेशेंट में हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं. ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की तरफ हम आते हैं कि इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है. ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर अगर हम फेंटेनिल यूज करते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट जो है हमें क्या आता है, लो ब्लड प्रेशर. ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन करता है. ठीक है, क्योंकि ये ओपियाइड रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ पे मौजूद है, सीएनएस में मौजूद है. स्वीटिंग कास करता है, डिजीनेस जो है वो कास करता है, रेशेस जो है, इस रेशेस हमारे बॉडी पे आते हैं. ठीक है, इचिंग जो है वो फील होता है. ठीक है, ब्रेडिकार्डिया कास करता है. ठीक है, डिस्पनिया जो है वो कास करते हैं. डिस्पनिया क्या है, एबनॉर्मल
ब्रीथिंग, ठीक है, और ग्लॉटिस को क्या करता है, क्लोज करता है। ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में क्या है कि हम इसको ना सीओपीडी में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सीएनएस डिप्रेसेंट जो है वो उसके साथ यूज नहीं कर सकते, ब्रेडिकार्डिया में यूज नहीं कर सकते, रेनल इम्पेयरमेंट हो और हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो, क्योंकि इसके मेटाबोलाइजेशन जो है वो किडनी और लीवर के थ्रू होती है, तो इसलिए हम इसमें यूज नहीं कर सकते। अब हम आते हैं डोजेस पे, कि फेंटेनिल के डोज जो है वो क्या है, ठीक है। तो एडल्ट डोज क्या है, 50 to 100 microgram per kg, 50 to 100 microgram per kg जो है वो किस चीज में है, एडल्ट में है। न्यूनेटल डोज में क्या कहते हैं कि नॉट सेफ अंडर 2 year, ठीक है, 2 साल से कम बच्चे में हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेफ नहीं है। पेडियाट्रिक डोज क्या है कि 1 to 2 microgram per kg, ठीक है, ये आप लोगों का है फेंटेनिल। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो और यूट्यूब चैनल पे आप लोग क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो। थैंक यू।